जी कैसर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सारी जी, आपको किसने कहा कि आपका नाक लंबा है? कोई है कोई ऐसा शख्स जो इतने गौर से देख के कहता है कि नाक लंबा होना चाहिए? फिर आपको भी इतनी टेंशन पड़ गई जिंदगी में, होता कोई ऐसा? तो नहीं, मैंने बताया ना, मैं खुद से देख रही थी अपने आप को, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा चेंज होना। तो कोई आइडियल कुछ शख्स नहीं है जो आपको रोके कि ये कपड़े नहीं पहने, ये सुर्खी नहीं लगानी? आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए ऐसा, जो कोई अच्छा सा शख्स होना चाहिए जो आपका आइडियल? मुझे तो नहीं पता, जवाब दियो तो मैं जान दियो घर। मैं पूछ रहा हूँ अपने लिए तो नहीं ना पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूँ कि काफी एपिसोड्स। आपकी नजर में कोई है ऐसा शख्स जो मुझे रोक सके? रोक सके ऐसे इसको सर्जरी करवाने से नाक की? अच्छा सर्जरी, वो तो उन्होंने भी रोक लिया था आपको। आप क्या करने से रोक नहीं, वही समझ नहीं आई कि रोक सके, मुझे समझ नहीं आई, वो तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि एक आइडियल भी तो होता है ना इंसान का अपना, कि ये मुझे रोके इसकी बात में मान लूँ। ऐसा कोई शख्स? आप ये कहें ना कि आइडियल कौन है आप? आपने बात नाक से क्यों शुरू की? क्योंकि मैंने कहा नाक से आगे फिर तो कौन है, बताएं तो सही। आज बता दें, समझो तड़े वड़े भरा बैठे, वड़े भाई बैठे ने, घर पूछ लेंगे तेनू की तकलीफ। शर्माए ना, आज बता दे कौन रोक सकता है? अभी उन्होंने रोक तो दिया मुझे अच्छा मशवरा दे के। नहीं, आप बताएं जो आपको अच्छा लगता हो, कोई आइडियल बताएं अपना, आप कैसा आइडियल कैसा होना चाहिए? शायद हमारे पास वो ऐसा लड़का हो कोई। हमारे फ्लोर पे कोई 300-400 लोग काम करते हैं। कोई ना कोई तो निकल ही आएगा, कोई तो निकलने के चांसेस हैं, ऑप्शन बहुत है हमारे ऑफिस में। नहीं, मैं चाहूंगी आप मुझे रोके, मैं रुक जाऊं। ओह माय गॉड, कल मौकी जी, मैं नहीं रोकना था। किस रिश्ते से रोकेंगे आप? एक अच्छे वेलविशर होने के रिश्ते से रोकें? वेलविशर नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यार सीधी गल पूछे कि होता ना एक हम सफर भी होता है जिंदगी में, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आप पॉइंट मैंने तो समझा, आप समझ जाएंगी। हम सफर कैसा होना चाहिए आपकी जिंदगी में? किस तरह का प्यारा हो, मेरी तरह का हो, या नेचर कैसी हो, क्या करता हो, नेचर कैसी हो, कमाता कितने हो, खाता कितने हो, बस मेरी सारी बातें माने। आपकी सारी बातें माने? क्या आपकी सारी बातें हैं? जो मैं कहूँ, जो मैं कहूँ, क्या के भेज लो तुझे, मेरे को कप मार देंगे सिर से, तुझे हुक्म करो बस, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। हां, जो मेरी सारी बातें माने सर, ये जी तो सब कुछ आ गए, सारी मटनियां ने सारी सारीयां गल्लां मनने, कोई ना कोई जवाब। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, श्योर, बातें तो माननी चाहिए। साड़ी गल तो गौर ही नहीं उधर नाल ही। हाँ बिल्कुल यार, कर्टसी में बोल रहे हैं वो, मगर आपको सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि सारी बातें मस माने। हाँ सारी बातें माने, इसके अलावा कोई ऐसा दिखना चाहिए तो मैं वो वैसा दिखे, पढ़ा लिखा हो, कोई प्यारा हो, वैसा लगता हो, या वैसा लगता हो, या बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, चलो भाई सारे चले, चले एटलीस्ट ही नोस कि उनको बिजनेसमैन ही एक, उन्होंने इतना तो हम तो सारे मजदूर है, दिहाड़ी वाले, हम तो सब फारिग। आप जैसे मजदूर अल्लाह सबको बनाए, मगर वैसे अच्छा तो बिजनेसमैन हो, ये एक आपके जहन में है, और किस चीज का बिजनेस ही आपने सोचा? नहीं ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी बिजनेस करता हूँ मगर बिजनेसमैन हो, बिजी लाइफ हो उसकी, चौकीदार ना कर लो, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हो, बिजी उसका शेड्यूल हो और वो हर वक्त काम पे बिजी हो, ये भी सारियां मनने, ठीक है, ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। बिजनेसमैन हो, किसी चीज का भी हो मगर बिजी इंसान हो, मतलब वेला ना बिल्कुल फिरे, और आपको नजर भी ना आए घर पे कि ये फिर रहा है कौन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नजर वजर नहीं आना चाहिए, नजर वजर नहीं आना चाहिए, और यहीं पे हो या कहीं बाहर से बिजनेस, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में बिजनेस हो या बाहर का बिजनेस हो, बाहर का बिजनेस हो, बिजनेस भी बाहर का हो, जाहिर बात तभी तो वो बिजी रहेगा और नजर नहीं आएगा ना। अच्छा तो वो आप ये क्यों एहसान कर रही हैं जो बीच में आप की कह रही हैं, आप ना ही करें, मतलब अगर पाकिस्तान से लव लो, उन्होंने मास्क ला देना। नहीं मगर ठीक है भाई, जो भी आप सुनो, अब तुमने पूछा है तो जानो, ठीक है कोशिश करें। और इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट आपकी? नहीं बस नहीं, काफी, और ओबीडियंट तो होना चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा ओबीडियंट भी होना चाहिए, वो तो आपने कहा कि आपकी हर बात मानता हो तो वो ओबीडियंट ही होगा, तो मानेगा सारी बातें, और बिजनेसमैन होना चाहिए मुल्क से बाहर, और आप भी उस मुल्क से बाहर होंगी या आप यहाँ पे होंगी? मैं कभी कभी मिलने चली जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आप बताएं आपकी खुश है इतना? जब चेहरे आते हैं आपके सामने तो आप उनको गौर से देखना शुरू हो जाते हैं? काम पे तो यस,
लेकिन जब मैं ऑफ होता हूँ तो नहीं नो मगर कैसे बड़ा आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ता होगा कि एक आदत पड़ जाती है कि मैं देख रहा हूँ गौर से कि क्या क्या मसले हैं इसके अंदर या हो सकता है कुछ या नहीं। हाँ, हो सकता वो ट्रेनिंग तो चाहिए होती है, हर चीज की ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक चेहरे को समझना। तो जब ज़ारिया अंदर आई तो आपने उनको गौर से देखा? मैंने ज़ारिया को इतने गौर से नहीं देखा। अच्छा, उन्होंने ज्यादा गौर से देखा। ठीक है, मेरा देखना इतना मुनासिब नहीं रहता। हाँ, इतने गौर से तो, और चूंकि करीब और ज्यादा है तो और गौर से देखता तो और मुनासिब। और आप जब लास्ट टाइम आए थे तो आपने बताया था कि यूजुअली व्हेन यू गो टू यू नो सोशल गेट टुगेदर्स तो आपके पास शादी पे खानों पे खवातीन हाँ, बहुत ज्यादा आ जाती हैं, बहुत ज्यादा आ जाती हैं। एंड देन दे आस्क यू क्वेश्चंस कि जी क्या मैं ये करा लूं वो करा लूं, तो वो अभी भी आपके साथ हो रहा है? बिकॉज अब मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो हफ्तों बाद मिलता है, तो अब मसला ये होता है कि जैसे ही मुझे दावत पे देखते हैं सब आ जाते हैं कि फ्री। हफ्तों बाद क्यों मिलता है? 6 दिन दुकान बंद रहते हैं। मैं क्या करूं हमें देखें। मैं बोला अच्छा मैंने देख लिया। ओके मैं देख लिया, अब जाए। नहीं यार ये बड़ी वैसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आपको कोई इंसान कह रहा है कि आप मुझे देखें और आप देखी जाए, कितना देख सकते हैं? कितना देख सकते हैं आप? लेकिन खाना खा रहे हैं, खासतौर जब खाना खा रहे हो, खासतौर जब आपकी अपनी फैमिली साथ हो तो फिर तो आप वैसे बेगम भी साथ हो, हाँ तो ज्यादा घबराए होते होंगे देखने में। तो कभी हुआ ऐसा कि कभी वापसी पे गाड़ी ड्राइव करते हुए हल्की सी एक आवाज आई हो साथ वाली सीट से कि आपने कुछ देर ज्यादा नहीं देखा? हल्की सी आप मेरी बहन को जानते हैं? जी जी जी। तो पग जमा कानून दे जी। हल्की सी नहीं आती दोस्त, ये हो चुका हुआ आपके साथ? हाँ आई थिंक ऐसे होता है कि मैं किसी पार्टी वार्टी में जाता हूँ तो एकदम से हजूम लग जाता है। ऑब्वियसली कुछ जानने वाले होते हैं, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जो भी मेरे पास मरीज आता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास अमानत है। हाँ। अकाउंट दी मैं किसी को बता नहीं सकता कौन आया। तो मैं कभी भी किसी मरीज को दावत में मिलता हूँ तो मैं कभी हाई नहीं करता उसको, मैं एक्नॉलेज ही नहीं करता। अच्छा, इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज यू नो लोग नहीं चाहते ना। हाँ। कि उनकी प्राइवेसी है तो मैं उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता हूँ, तो खुद अगर आए तो आए, मैं नहीं चाहता। तो कभी होता है दावतों में बहुत सारे आ जाते हैं। अब सरवत मेरे साथ खड़ी है, अब 4 लड़कियाँ आ गई, अब सरवत कह रही है भाई हेलो क्या हो रहा है, और फिर वही बातें शुरू हो गई। सर कभी इन जो है वो कि तुसी किते खड़े हो ते किसी औरत ने आके ताड़े क्लिनिक ते मेरा कान रह गया सी। ये जिस क्लिनिक में ये जाते हैं शुक्र है मैं उधर नहीं जाता भाई। नहीं मतलब बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे। तो ऐसा आपका होता है कि फिर उसके बाद शिकायत आपको? हाँ उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज सरद को तो नहीं पता ना कि कौन पेशेंट है। हाँ, क्या या कौन वैसे ही और आप एक माशाल्लाह गुड लुकिंग इंसान हैं और एक्टर भी हैं। आपकी मोहब्बत है? नहीं सर, नहीं मोहब्बत नहीं है, हकीकत है, बढ़ती जा रही है। तो नहीं मैंने भी तो बाद में चक्कर लगवाने Great, how are you? You know, I am really very happy today. Why? Yesterday afternoon, उसे एक पेट्रोल पंप के कॉर्नर पे अपना सिंगिंग का मेला लाया हुआ है। उसे बड़े में पैसे कमाए। Okay. उसे ने एक गड्डी लगी है पेट्रोल पुआ के। मैंने कहा नहीं, you looks like an actor and singer. मैं कहा yes I am. मैंने कहा नहीं, ये हमारा कार्ड रखो, हम तुम्हें हाई प्रोफाइल कर देंगे, तुम हमारे ऑफिस में आना। ठीक है। आई वेंट देयर, 3rd फ्लोर थे उन्होंने दफ्तर सी चुटाया बुआ ते वो बंदा भी एक लेडीज भी उच्च बैठी। मैंने कहने नहीं ये फॉर्म फिल करो, मैं एक मिनट से कर देता है। उन्हें क्या 15,000 रजिस्ट्रेशन फी जमा कराओ, फिर हम तुम्हें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है। फिर तुम्हें थोड़ा सिंगिंग का सिखाएंगे, थोड़ा एक्टिंग सिखाएंगे, फिर तुम्हें कराची भेज देंगे हुमायूं सईद के पास। अच्छा। हाँ वो मेरी उन्होंने गल होगी, बट मैं क्या मैं अपने दोस्त से पहले ओपिनियन लूंगा। मैंने कहा बेरोज सब बजवारी साहब मेरे दोस्त हैं। हाँ। मजाक रात की वो होस्टिंग करते हैं। हाँ। तो आजा मैं दस्या उन्होंने मैं बेरोज सब्जवारी नहीं हूँ। तो आजा की ना है मैं जिस बात जो मैं बस कह बैठा थोड़ा ना, मैं क्या समझे भी ये दोस्त है कि नहीं। सो कुड यू प्लीज गिव मी द ओपिनियन, उसे मैं 15,000 जमा करा के तो बचा एक्टर बन सकना? बिल्कुल नहीं बन सकते, और ना ही 15,000 जमा कराने की जरूरत है। ये इस किस्म की जितनी हरकत और प्रोडक्शन ये सब झूठ हैं,
किसी जगह पे एक्टिंग के लिए पैसे नहीं दरकार होते कि आपने पैसे देने हैं, तो प्लीज अगर कोई ऐसा करता भी है तो तुम भी इससे बचो। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पैसे दरकार होते हो एक्टिंग करने के लिए, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, तो भैया इसमें फंसना जाना। मशवरा ले रहे हैं उन्होंने पैसे जाया कर बैठे ने ना भी नहीं दिए तुमने क्या हुआ? नहीं मैं कह दिया हो भी सकता है लेकिन मैं जो अच्छा है 15,000 नहीं दिते नीचे फंस जाना तो मैं हाथ अटैक हो जाना। यस सर ये भी सर्जरी करके नु किरली टैप बनाओ जरा थोड़ा नहीं उस तो कुछ थोड़ा बेहतर हो मत क्योंकि फोटो जैनक होना भी जरूरी है ना भाईजन किचन दे एमएनए ने एमएनए नहीं है वो एक्टर है और डॉक्टर है। Oh, he looks like a doctor. Yes. But actor vegan. Yes. Good guy. 15,000 रुपए जी मैं उठे ना जी मन जे तुसी मेनू कराओ जे फिल्मा फुल्मा च काम कर दे उठ। हां बाजी होरी भी करते ने जी बाजी होरी भी करते। Oh, she is good actress. अच्छा हां कोई है ने कोई 150 पैन में दाल चौल खाने ने तुम खाए हैं बल्कि बाप पैसे देने ने मैं करवा दूंगा तुम्हें इस तरह पैसे ना मांगा। ओके आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट दियो तुसी मैं खत्म कर दूं शो पहले 200 जो दाल चौल वाले ने ओ भाई शो तो खत्म कर लेने दे। ओके आई एम वेटिंग फॉर यू। यस प्लीज बाहर मैं खलो जान तो आ जाए।